है क्या ये पिंस है? मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम फ्रॉम सियाटल। सो हम सियाटल के लिए पहुँच गए थे, तो आज का दिन हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस है वो हम चेकआउट कर रहे हैं, वो है ये पाइक प्लेस मार्केट। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मार्केट लगती है, यू नो जैसे होता है ना फार्मर मार्केट सर्विस, बट यहाँ की फेमस है ये पाइक प्लेस मार्केट। तो आते हो तो सबसे पहला प्लेस ये है यहाँ पर चेकआउट करना। चलो मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ पाइक प्लेस मार्केट। What's the price for that? These one? These are $18.99, and they all open up like this big. Oh, okay. This both too, and I have four different designs with all different colors. Oh, $18.99, yeah. $18.99. Okay, thank you. All original designs. $19. बेसिकली जो ये पाइक प्लेस मार्केट है वो सियाटल की लार्जेस्ट मार्केट मानी जाती है। तो मार्केट जैसे अगर आप लोकल चले जाते हो तो फार्मर मार्केट लगती है आपके टाउन पे सैटरडे संडे, बट जो ये मार्केट है ये एक डिफरेंट लेवल की मार्केट है, यू नो हाई लेवल की मार्केट है, बिकॉज यहाँ पे 220 से ज़्यादा यू नो इंडिपेंडेंट ओन बिजनेस जो हैं, शॉप्स हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स हैं, देन 150 से ज़्यादा यू नो क्राफ्टमैनशिप वाले जो होते हैं वो वाली शॉप हैं, देन फार्मर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, यू नो लोकली प्रोड्यूस जो फूड है एंड हैंडमेड चीज़ें हैं, ज्वेलरी हो गई। मैं तो वीडियो में जितना कैप्चर कर पाई मैं उतना ही कर पाई हूँ, लेकिन ये सियाटल की बहुत बड़ी मार्केट है। अराउंड 300,000 पीपल पर मंथ इसको विज़िट करते हैं, तो कुछ खासियत तो होगी। एंड एवरी सिंगल डे ये मार्केट ओपन होती है फ्रॉम 9 to 5 PM। अगर बेस्ट टाइमिंग अगर आपको क्राउड थोड़ा कम देखना है तो आप सुबह 8 से 9 या फिर शाम को 4 से 5 के बीच में जा सकते हो। सुबह सुबह ये होता है कि थोड़े जो वेंडर्स होते हैं वो यू नो अपना टाइम लेकर आते हैं, तो आधे ओपन होते हैं आधे नहीं होते हैं। अगर आपको फुल ऑन मज़ा लेना है इस मार्केट का तो आप बीच के टाइमिंग पे जा सकते हो। सो ऑल इन ऑल बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहेगा, इसको ज़रूर चेकआउट करना। पाइक प्लेस मार्केट से निकलने के बाद अगर आपको यू नो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक्सप्लोर करना है कि आगे पीछे कौन सी स्ट्रीट है जो बेस्ट है देखने को, वैसे तो सियाटल बहुत बड़ा है लेकिन पार्किंग में गाड़ी लगाओ एंड दिन अच्छा है। जैसे थोड़ी सी बारिश हो रही थी लेकिन उसके बाद रुक गई थी, ट्रीज़ के कलर्स देखो इतने प्यारे लग रहे थे। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, तो हमने भी ऐसे ही किया।
सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा था ये स्टारबक्स रिजर्व। तो अब आप कहोगे कि स्टारबक्स तो स्टारबक्स ही है ना, उसमें आप क्या देखने के, उसमें क्या स्पेशल है। सो स्पेशल ये है कि वर्ल्ड में आई थिंक 5 से 6 ही स्टारबक्स रिजर्व हैं। ये रिजर्व स्टारबक्स से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे पूरा बताया जाता है आपके सामने, कॉफ़ी ग्राइंड होगी, जो ऑप्शंस हैं खाने पीने के वो बहुत ही ज़्यादा हैं। नॉर्मल आप स्टारबक्स में जाते हो तो आपको क्या 5 से 6 पेस्ट्रीज मिलेंगी, बट आप यहाँ पे अंदर देखोगे कि कितना कुछ है। आप इसका पूरा टूर भी ले सकते हो विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ये स्टारबक्स रिजर्व है ना, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस इन सियाटल, क्योंकि सारे लोग ना यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ये एंड ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे खाने के लिए, इनकी बार भी है। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कब से ये पेस्ट्रीज लेकर रखी है, लेकिन कॉफ़ी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। वर्स्ट विजिट प्लेस है वैसे तो, मैं तो यही कहूँगी वर्स्ट विजिट प्लेस है। अगर आप आते हैं तो यहाँ तक तो जरूरी आना। पेस्ट्रीज एंड कॉफ़ीज़, आई नो इट्स लिटल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन जो टेस्ट था ना वो आप खुद जाओगे तो तभी आप बता पाओगे, क्योंकि मैं तो आपको बता नहीं सकती। एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा प्रोसेस वगैरह बताया जाता है। तो वर्थ विजिट प्लेस है, इसको चेकआउट ज़रूर करना। वर्ल्ड में 5 से 6 ही हैं और सियाटल में ये सबसे फेमस है, तो डू चेक इट आउट। Now the third place is this famous gumball. Well, it looks disgusting, but you have arrived. If you want to see, you can see that.
ओके, तो नेक्स्ट इज़ दिस सियाटल ग्रेट व्हील। तो अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, पूरा ऊपर जाकर यू नो आपको पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एज वेल। तो ये था एक्सपीरियंस हमारा ग्रेट व्हील का। मुझे हाइट से डर लगता है, तो चलो वैसे कर ही लिया, आई थिंक 5 से 6 चक्कर लगवाते हैं हम वो। तो इट वॉज नाइस, जब आप 1-2 चक्कर ले लेते हो देन उसके बाद यू नो आप थोड़े ईजी गोइंग हो जाते हो। मेरे पास और भी ज़्यादा वीडियोज़ थी लेकिन मेरे फ़ोन से आई थिंक डिलीट हो गई या क्या, बिकॉज आई डोंट नो, जितना था मैंने आपको शो कर दिया। देन उसके बाद आप यू नो जैसे मैंने आपको माइनर लैंडिंग बताया, आप उसके अंदर चले जाओ तो बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। खाने पीने के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर आप सियाटल आए हो तो सियाटल की कोई मेमोरी तो आपको लेनी बनती है, तो गिफ्ट शॉप्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, आप किसी भी गिफ्ट शॉप पे जा सकते हो और यू नो कुछ भी बाय कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वैसे तो सियाटल बहुत बड़ा है तो एक दिन में आप जितना कवर कर पाओ आप उतना ही कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वेदर और आप कितना यू नो घूम सकते हो एक दिन में, वो आप पे भी डिपेंड करता है। तो चलो, वैसे तो मेरे पास सेकंड डे की भी वीडियोस हैं सियाटल की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।